Hey friends, what's up? Myself Devansh Chaturvedi, back with another video, and this time it's 19038 Gorakhpur Bandra Terminus Awadh Express Part 2. So friends, जो हमारी काफ़ी पुरानी वीडियो थी गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस की, मैं उसे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। उसका पार्ट टू है ये एक्टिविटी हमारी। जो हमारी जर्नी रहेगी वो कचरौद से रतलाम जंक्शन तक रहेगी। तो चलिए आज की अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं हमारा जो BRC V4 है, V4E है इस ट्रेन का, लोकोमोटिव को फेल हो चुका है। पहले भाई ये जो भी एग्रेसिव ट्रेन है इसे जाने देते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पार्ट वन में जो वडोदरा V4E था वो फेल था, तो इस जो वीडियो में हमारा पार्ट टू है उसमें भी हमारा लोकोमोटिव फेल रहेगा। प्लस उस एक्टिविटी में आपने देखा होगा कोई और लोकोमोटिव था, बट मैंने इस वाली वीडियो में कोई और लोकोमोटिव यूज़ किया है ताकि थोड़ा अलग लुक आए हमारी जो है एक्टिविटी में, जिसके आप सभी देख सकते हैं। रिसे जस्ट अभी हमारा जो है पैसेंजर बोर्डिंग कम्प्लीट हुआ है, तो अभी यहाँ से अब डिपार्ट करना है। इतने ब्रेक्स हम रिलीज कर लेते हैं एंड हॉर्न बजा देते हैं अपना। एंड आप देख सकते हैं ये तो BRC का V4 ही था जो कि हमारी ट्रेन को रेस्क्यू कर रहा है। वो है गाजियाबाद का V4 22613, उसका रूट नंबर है। तो चलिए अब डिपार्ट करते हैं इस स्टेशन से कचरौद जंक्शन। दोनों गाइस, एग्जैक्टली स्टेशन का नेम क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट है, मैं स्पेल भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। तो चलिए अब हम अपने AC कोच में आ चुके हैं। जो हमारा टिकट बुक हुआ है वो है AC 3 कोच में बुक हो रखा है, बट हम तो भैया अपनी सीट पर बैठेंगे नहीं, मुश्किल से ही जाएंगे। हम जो है डोर प्लेटिंग ज़्यादा करते हैं। सो राइट नाउ द अवध एक्सप्रेस इज डिपार्टिंग फ्रॉम कचरौद स्टेशन। जैसे कि गाइस आप सभी देख सकते होंगे रतलाम जंक्शन यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो चलिए ट्राई करेंगे कि वहाँ तक अपनी जर्नी कर पाएँ पूरी सेफ एंड धमाकेदार जर्नी, प्लस उसके आगे का भी थोड़ा बहुत कवर कर सकें। आई होप गाइस नेक्स्ट क्रॉसिंग भी जल्दी आ जाए। बस जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग्स होंगी उतनी ज़्यादा एक्टिविटी में अच्छा, मतलब मज़ा आएगा खेलने में एक्टिविटी को। वैसे गाइस ये एक्टिविटी मेरी ही बनाई हुई है, तो आपको ये एक्टिविटी किसी भी फ्रेंडसिम साइट पे या किसी और साइट पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो मैं ट्राई करूँगा कि एक टाइम पर ये एक्टिविटी पूरी कम्प्लीट बना सकूँ एंड इसे पब्लिश कर सकूँ ऑन दी FriendSim.com। ऐसा आप देख सकते हैं गाइस हमारी जो लिमिट है वो है 120 किलोमीटर पर आर की लिमिट है। प्लस हमारी ट्रेन जहाँ तक अब मेन लाइन पे आने वाली है, तो हम 110 के अराउंड जा सकते हैं, उससे ऊपर अपनी ट्रेन नहीं ले जा पाएंगे हम। ऐसे हमारी जो ट्रेन है वो ICF ब्रेक है, तो ये बस 110 किलोमीटर पर आर की इसकी मैक्सिमम स्पीड हम रख सकते हैं, जिसकी आपने देखा कि हमारा लास्ट कोच भी अब मेन लाइन पर आ चुका है। तो चलिए स्पीड और इनक्रीज़ करते हैं।
भाई ट्रैफिक ट्रेन किधर है अभी? कोई देखते हैं गाइस, अपोजिट साइड का जो ट्रैक है उसका सिग्नल स्टेटस देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि कोई ट्रेन हमारे पास आ रही है या नहीं। वैसे फ्रेंड्स यहाँ तो कोई सिग्नल ही नहीं दिख रहा है, बस हॉर्न के जो साइंस होते हैं वही दिख रहे हैं। एंड हमारी अवध एक्सप्रेस भी स्लोली स्लोली जो है अपनी स्पीड पकड़ रही है। इनकर्स ये जो एक्टिविटी है मतलब वीडियो है, इसकी रिक्वेस्ट की थी इंडियन रेलवे जी ने, जिनके चैनल का नाम है, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी। भाई आपने मेरे से काफ़ी मतलब लॉन्ग रिक्वेस्ट रखी थी, सॉरी मैंने काफ़ी दिनों बाद जो है ये, सॉरी दिन भी नहीं और हफ्ते भी नहीं, जहाँ तक है महीनों बाद ये मैंने वीडियो पब्लिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड अगर आप इसका पार्ट थ्री भी देखना चाहें तो मैं वो भी बनाऊँगा, बट बाद में। अभी जो है हम अपने पार्ट टू पर कॉन्सनट्रेट करते हैं गाइस। एंड भाई कोई ट्रैफिक ट्रेन आ जाए, आई होप ये जो सिग्नल है अप्रोच या ग्रीन हो। भाई ये तो रेड हो रखा है यार। भाई हमारे जो सेकंड लोकोमोटिव है उसकी तरह अपनी ट्रैफिक ट्रेन्स भी फेल हो गई क्या? चलिए गाइस 100% थ्रॉटल पावर रख लेते हैं, जिससे कि अपने रतलाम जंक्शन पे हम टाइम से पहुंच पाएं। वैसे अब तो कहीं से कहीं तक भी मुझे चांसेस नहीं लग रहे कि हम टाइम से पहुंचेंगे उस स्टेशन पे। वैसे गाइस इस ट्रेन में रियल में एटलीस्ट 15 जो हैं स्लीपर कोचेज हैं। मैंने पहले 15 कोचेज इस ट्रेन में लगा के देखे थे, तो हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म में फिट ही नहीं हो पा रही थी। सो गाइस इस ट्रेन में आपको जो कोचेज हैं वो 3 या 4 स्लीपर कोच कम मिलेंगे। एंड आप देख सकते होंगे ये हमारे वेब 4 का जो है कैब्यू है। एंड द क्रेडिट फॉर दिस गोज़ टू मिस्टर अमरजीत सिंह फ्लोरा जी। आई थिंक गाइस कोई और ट्रेन भी हमारी तरफ आ रही है अब। वाओ आई थिंक इटारसी का WDM-3 भी विथ सम एक्सप्रेस ट्रेन। वाह यार काफी तगड़ी चेकिंग करते जा रहा था गाइस वो। चलिए अपना भी रन अब अच्छा है, अच्छे से स्पीड में चल रहे हैं हम। हमारे वैफोर जी की तो मैक्स स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आ रहे, बट हम जो है सिर्फ 110 ही कर पाएंगे। अभी तो हमारी करंट स्पीड गज 105 किलोमीटर पर आर की है। 109 किलोमीटर पर आर पे हम जाके अपनी मतलब थ्रॉटल पावर बैलेंस बना के चलेंगे कि ना ज़्यादा जाएँ ना हमारी स्पीड थोड़ी रिड्यूस होती रहे। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस बंगरोड स्टेशन। सॉरी गाइस मतलब प्लेसेस के ना नाम थोड़े डिफरेंट हैं। भाई आज तो मजा आ गया जर्नी में, गजब ट्रैक साउंड और गजब रन। भाई पेल लिया स्टेशन को। And some BCNA rake with the WDG-4 standing in loop line of Bangrod station.
भाई क्या रन है, अवध एक्सप्रेस जी धमाकेदार भाई, लगा दो आज आज तो। वैसे कैसे अपने तो कोचिस भी यार इतना तगड़ा वाइब्रेट कर रहे हैं ना कि क्या कहने। तो चलिए गाइस देखते हैं कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन आ सकती है। रतलाम जंक्शन हमारा 15 किलोमीटर गाइस बाकी है। एंड फ्रेंड्स जो रियल में है इस स्टेशन के, मतलब कचरौर जो स्टेशन था उससे रतलाम जंक्शन तक एटलीस्ट 4-5 स्टेशन होते हैं बस। इस रूट में जो है सिर्फ एक दो ही स्टेशन लगाए गए हैं। वो स्टेशन में भी जब बने होंगे तब ये रूट, मतलब उससे पहले भी आया होगा तो उस टाइम पे स्टेशन नहीं होंगे। दैट्स व्हाई रूट ऑथर ने जो है ये कुछ स्टेशंस इस रूट में कवर नहीं किए हैं। सो सॉरी फॉर दैट। आई होप जो रूट ऑथर जी हैं अपूर्व सोनी जी, वो जल्द ही इस रूट का लेटेस्ट वर्जन देंगे हमको। वैसे कैसे यहाँ पर तो हमें सिर्फ हॉर्न के ही साइंस दिखे जा रहे हैं, सीफा सीफा। वैसे कैसे इसका होता है कि विसिल लॉन्ग, सॉरी लॉन्ग कह दिया मैंने, एक जो W लिखा होता है वो उसका मतलब होता है विसिल, एंड जो L होता है उसका मतलब होता है लेवल क्रॉसिंग। बट यहाँ तो यार कोई लेवल क्रॉसिंग ही नहीं लिखी है। दोनों भाई इन लोगों ने ये WL का साइन लगाया है, बस इनको लगाना चाहिए था W का साइन। अरे भाई अपने को बाहर डाल दिया यार इन लोगों ने। सम राजधानी एक्सप्रेस विद वेव 7 गोइंग टुवर्ड्स नगड़ा स्टेशन। भाई गजब की क्रॉसिंग हो गई कर्व पे। बट गाइस अगर सीधी ट्रैक पे होती तो हम अपनी डोर व्यू से उसे एंजॉय कर सकते थे, मतलब जिसमें हमें वाइब्रेशन भी मिलती।
एंड सो गाइस आप देख रहे होंगे हमें जो ट्रैक मॉनिटर में है 4 किलोमीटर के बाद 55 किलोमीटर पर आर की जो है PSR दिखा रहा है। तो चलिए अपनी थ्रॉटल पावर जो है रिड्यूस कर देते हैं, ऐसा हमें ब्रेक्स तो लगानी पड़ेंगे वहाँ आगे जाके। तो ऐसे जाएंगे तो अपनी ट्रेन की स्पीड ऑटोमेटिकली हल्के हल्के रिड्यूस होती रहेगी। गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि हमारे जो रतलाम जंक्शन के आउटर है वहाँ पर हमारी जो है ट्रैक्स गायब हो जाती हैं। वाओ आप साइड में देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी सारे लोकोमोटिव हैं यार यहाँ। तो आई थिंक गाइस रतलाम की जो है शेड होगी ये इलेक्ट्रिक लोको शेड। वैसे गाइस रतलाम के पास कोई इलेक्ट्रिक तो लोकोमोटिव नहीं है शेड में जहाँ तक है, ओनली DLS ही संभालता है रतलाम लाइंस टू रतलाम इलेक्ट्रिक लोको शेड। यार ELS कैसे हो सकती है रतलाम के पास? वैसे गाइस आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे पता है मेरे को तो कोई भी ऐसा लोकोमोटिव नहीं पता जो कि इलेक्ट्रिक हो और वो रतलाम शेड के पास हो। चलिए अभी जो है अपनी ब्रेक्स लगा लेते हैं हल्के हल्के। इस 55 किलोमीटर की जो अपनी लिमिट है वो पास आ रही है, 1 किलोमीटर के बाद अपनी 55 किलोमीटर की लिमिट लग जाएगी। डुअल रतलाम WDG4 क्रॉस दस एट रतलाम स्टेशन आउटर। चलिए गाइस अपनी जो है 55 किलोमीटर की स्पीड लिमिट लग चुकी है, इसका मतलब कि अपना स्टेशन भी अब पास आने वाला है। 2.5 किलोमीटर कुछ बचा है बस अपना रतलाम जंक्शन। वैसे कि जहाँ तक है उसके आगे की जर्नी हमारी मुश्किल से ही रहेगी। गाइस आप देख रहे होंगे आगे जो है हमारे ट्रैक्स गायब हैं। इसका गाइस मतलब मेरे को भी नहीं पता कि ये ट्रैक्स क्यों गायब है। मे बी जो सॉरी रूट ऑथर हैं उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी हो या फिर इसकी जो ट्रैक्स फाइल्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल नहीं हो। आप भी अपना वेस्टर्न रेलवेज वर्जन 6 चेक कर सकते हैं। अगर आपके रतलाम स्टेशन के आउटर में यहाँ पर ट्रैक्स दिखा रहे तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मे बी अगर मेरे रूट की फाइल्स में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड आप देखे होंगे हमारी ट्रेन जो है ट्रैक्स पर नहीं चल रही है भाई, पता नहीं कहाँ चल रही है, घास पे चल रही है, किस पे चल रही है भाई, कुछ तो बताओ। ऐसे कैसे जो ट्रैक्स हैं अभी आगे आ जाएंगे, बस ये कुछ दूरी तक ही गायब रहते हैं। दोनों भाई मैंने अपूर्व सोनी जी से रिक्वेस्ट की है कि भाई जी आप रतलाम स्टेशन का आउटर प्लीज़ एक बार चेक कीजिए कि वहाँ के ट्रैक्स तो गायब हो रखे हैं। भाई पैसेंजर लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा अगर ऐसी चीज़ रियल में हो गई तो, कि भाई अपनी ट्रेन चल किधर रही है। एंड हमारी ट्रेन वापस अपने ट्रैक्स पर आ चुकी है। एंड हमारे लोकोमोटिव के ऊपर तो गज वायर सी गायब कर दी यार, ओपन रेल सी क्या होगा आपका।
पहले ट्रैक गायब करते हो फिर वायर भगा दी। चलिए गाइस अभी तो ब्रेक्स लगा लेते हैं, ऐसे ट्रैक चेंज करना होगा हमें। 35 किलोमीटर पर आवर पे हम जो है ट्रैक चेंज करते हैं सिमुलेशन में। एंड जैसे ही हमारे जो गाइस कंसिस्ट होता है, जैसे ही क्रॉसओवर के ऊपर आता है, मतलब ये स्विच जो होती है ट्रैक स्विच, जैसे ही उनके ऊपर आते हैं तो ये वाइब्रेट ज़्यादा करते हैं, आपने कभी भी नोटिस किया होगा। अवध एक्सप्रेस अप्रोचिंग दी रतलाम जंक्शन। एंड आप देखते होंगे गैस हमें जो है रतलाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में लगाया गया है। वैसे गैस इस स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 3, 2 और 1 किधर हैं, आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो? कोई एक्सप्रेस ट्रेन भी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है विद द डुअल रतलाम WDM3 है। और भैया हमारी गाजियाबाद वेफोर ने काफ़ी शानदार हॉन्क मार दिए अराइवल से पहले। मतलब बस अराइवल के टाइम, अराइवल से पहले तो तब होते जब हम पीछे रोते थोड़ी स्टेशन से, अब तो हमने स्टेशन में एंट्री भी मार दी। तो चलिए गाइस अब ब्रेक्स लगा लेते हैं, बस अपना जो स्टेशन है मतलब उसका प्लेटफॉर्म है उसकी जो रेंज है वो ख़त्म ही होने वाली है डिस्टेंस। सो फ्रेंड्स हमारी जो जर्नी है काफ़ी लंबी हो चुकी है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं रतलाम जंक्शन पे। मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराता हूँ, जो है अपनी वीडियो पॉज कर देते हैं, जैसे अपना पैसेंजर बोर्डिंग कम्प्लीट इन 30 सेकेंड्स हो जाएगा तब मैं इसे रिज्यूम कर देता हूँ। एंड सो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आधा मिनट बचा है हमारा डिपार्चर में अवध एक्सप्रेस का रतलाम जंक्शन से। सो हमारी ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया है एंड आई गेस कोई मालगाड़ी भी रतलाम जंक्शन को क्रॉस करने वाली है। चलिए एक हॉर्न बजा के निकल लेते हैं अब यहाँ से, ज़्यादा वेट नहीं करते। अवध एक्सप्रेस डिपार्टिंग फ्रॉम रतलाम जंक्शन। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कोई मालगाड़ी वैगन लाइन के साथ जो है रतलाम जंक्शन क्रॉस कर रही है। एंड अवध एक्सप्रेस को सारे सिग्नल दे दिए गए हैं, ग्रीन दिए गए हैं, कहीं पर भी गाइस ओवरटेक नहीं लगवाया है, ये अच्छी बात है। वरना भाई जो फील आती है ना एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने में गाइस वो ख़त्म हो जाती है समटाइम्स। पैसेंजर ट्रेन है उसमें आपको ओवरटेक कर दें कोई ट्रैफिक ट्रेन तब तो चलता भी है।
एंड आप देख रहे होंगे ये आई गेस रतलाम सिटी है। वैसे कैसे हो, अगर हमारी ट्रेन जो है रतलाम जंक्शन में है तो ऑब्वियसली रतलाम सिटी ही होगी। और भाई ये फ्रेट ट्रेन इतनी धीरे क्यों चल रही है यार रतलाम जंक्शन पे, क्या इतना बुरा वाला इनको PSR दे दिया क्या या TSR दे दिया? आई थिंक गाइस इनकी भी अब स्पीड बढ़ी गई जैसी हमने इन्हें टोक दिया। वाओ यार पूरी ट्रेन जो है कर्व पे लगा दी और वो भी इतने डेंजर कर्व पे। चलिए स्पीड तो हमारी 55 से ऊपर जा ही नहीं सकती, तो जैसे ही पूरी ट्रेन मेन लाइन पे आती है 50 km/h पे चलते हैं। आप देख रहे होंगे कोई वेपाई भी खड़ा हुआ है विद 3 AC 2 Tier coaches। बाय बाय रतलाम जंक्शन। चलो भाई अपना SLR कोच भी मेन लाइन पे आ जाए जल्दी। भाई जल्दी आ जाए यार इतना टाइम क्यों लगा रहे। तो चलिए गाइस अब बढ़ाते हैं जरा स्पीड और लेके चलते हैं एक एक्सप्रेस ट्रेन को उसकी स्पीड में। ऐसे क्या जहां तक है अब अपनी जो है ट्रैक जो है सीधी है तो यार TSR को फॉलो नहीं करते हैं। वैसे तो गाइस ये PSR होगा जहां तक है। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो के लिए इतने ही, अभी जो एक्टिविटी का बाकी का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। अब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि वो बना पाऊँ। तो अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस देखते रहें। बाय बाय ऑल, टेक केयर, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियोस में।